हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति पावा अपनी खट्टी मीठी रसोई से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैंगनी की रेसिपी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। बंगाल में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो चलिए मेरे साथ मेरी खट्टी मीठी रसोई में इसे बनाने के लिए, क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए। बैंगनी बनाने के लिए हमें बड़ा वाला बैंगन लिया है। पहले इसकी जो है ऊपर से काट देंगे, फिर हम इसको लंबा काटेंगे। यहाँ पे मैं ये बड़ा वाला बैंगन ले रही हूँ, आप कोई भी बैंगन ले सकती हैं। चाहे तो इसको गोल काट लीजिए, लंबा काटिए, कैसे भी काटिए। हम ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला काटेंगे, इसको ठीक ठीक साइज रखेंगे। ये देखिए इतना पतला लेंगे। अब सारे ऐसे काटने के बाद हम इस पे लगाएंगे नमक और हल्दी। सभी पर अच्छे से लगा लेंगे दोनों साइड। इससे क्या होता है कि जो बैंगन का कसैलापन होता है वो दूर हो जाता है और इसका जितना भी मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। अब आधा नींबू इसके ऊपर छिड़केंगे। बैंगन को एक साइड रखेंगे, ये मैरिनेट हो रहे हैं तब तक हम अब बैटर बना लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच मैदा, 2 चम्मच चावल का आटा, हाफ कटोरी इसमें डालेंगे हम बेसन। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च, वन फोर्थ चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, और सेसमी सीड्स डाले हैं 1/2 चम्मच। 1/4 चम्मच कलौंजी लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब धीरे धीरे करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, धीरे धीरे ही हम डालेंगे। अगर आपका बैटर थोड़ा पतला हो जाए तो उसमें आप बेसन मिला दीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और चुटकी भर इसमें मैंने ऐड किया है बेकिंग सोडा। मेरा बैटर थोड़ा सा पतला हो गया था तो इसमें मैंने डाला है चावल का आटा 1 चम्मच। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। अब इसे साइड रखेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं अपने बैंगन। बैंगन में से सारा पानी निकल आया है और इसको अच्छे से टिश्यू पेपर से हम पोंछेंगे और दूसरी प्लेट में रखते जाएंगे। सभी को ही अच्छे से पोंछ लेंगे। ये देखिए हमारा पानी कितना सारा छूट गया है इसमें, तो ये पानी हमें यूज नहीं करना। अब कढ़ाई लेंगे और उसमें डाल रहे हैं हम सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। इसे हम डीप फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अपने बैटर में 2 चम्मच तेल डालेंगे, ये गरम तेल है, इससे हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और देखिए ऐसा गाढ़ा हमें बैटर बनाना है अपना।
अब हम ये जो सरसों का तेल है इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। अब बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हम नहीं डालेंगे अपने पकोड़े, थोड़ा सा हल्का गर्म हो तब डालेंगे। और जब थोड़ा सा नीचे से सिक जाएगा तब पलटेंगे दूसरी तरफ। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आप डाल देंगे तो आपके एकदम से लाल हो जाएंगे, अंदर से सिकेंगे नहीं। तो आप हल्का जब गर्म हो, मीडियम गर्म हो तभी आप डालिए इसमें, तो आपके पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। दोनों साइड से अच्छे से इसको सेक लेंगे। ऐसे हम आराम से डालेंगे ताकि छींटे ना आए। जब ये थोड़ा सा ऊपर से सिक जाएगा तब आप दूसरा डालिए, नहीं तो बैटर जो है वो निकल जाएगा। और चाहें तो अलग अलग एक एक करके भी सेक सकते हैं, बड़ी कढ़ाई हो तो दो तीन डाल दीजिए। जब गीला है तभी नहीं डालेंगे हम दोनों, नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे और बैटर हट जाएगा। अगर आपका बैटर अच्छे से चिपक नहीं रहा तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चावल का आटा। दूसरा तरीका बता रही हूँ, इसमें अच्छे से चावल का आटा लगाएंगे फिर हम बैटर में डालेंगे, तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और बैटर भी अच्छे से लग जाता है। तो आप दोनों तरीके यूज़ करके देखिए। ये हमारा अच्छे से सीख गया है, इसको निकाल लेंगे। अब जो हमारे ये पकोड़े तल गए हैं इसके ऊपर हम लगाएंगे चाट मसाला। आप इस पे चाट मसाला जरूर लगाइए, बहुत बढ़िया लगते हैं। तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी ये पकोड़े। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप में एक बार इस स्टाइल से जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत बढ़िया है, क्रिस्पी और टेस्टी। फिर हम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।